सांगला हिलमुत बलोचा में फायरिंग से एक शख्स जख्मी, एक शख्स जान बहा। एलडीए टाउन प्लानिंग विंग जोन विंग का गैर कानूनी शादी हॉल्स और मार्केटों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लैया में पांचवें थल मेले का आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर अजफर जिया और डिप्टी ओ नदीम अब्बास ने कौमी परचम लहराकर इफ्तिताह किया। मंडी अहमदाबाद में रोल हेल्थ सेंटर के मुलाजिम मुश्ताक और इसकी बीवी को कत्ल कर दिया गया। तहरीक क्लब एक पाकिस्तान सरबरा खादिम हुसैन रिजवी इंतकाल कर गए। इनका नमाज जनाजा कल दोपहर 3 बजे लाहौर मीनारे पाकिस्तान में पढ़ा जाएगा। शिपा जराए के मुताबिक कराची में पाकिस्तान चौक के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स गुलजार विल्द गुल इस्लाम हलाक हो गया। आरपीओ फैसलाबाद इफ्फत मुख्तार राजा का डिस्ट्रिक्ट जंग का दौरा। दौरे के दौरान इन्होंने वुमेन सेफ्टी स्कोर जंग का इफ्तिताह किया। कराची की मार्केट सदर को ऑपरेटिव में आतशजदगी। शिपा जराए के मुताबिक रेस्क्यू टीम आग को बुझाने में मसरूफ। लाहौर में सीटीओ कैप्टन रिटायर सईद हमाद आबिद शहीद मुबीन ट्रैफिक पुलिस मनामा में शान रहमतुल आलमीन के हवाले से वॉक में अवाम और पुलिस अहलकारान की बड़ी तादाद में शिरकत। करोड़पका में वारदात के दौरान मुजहमत पर दो अफराद के कत्ल का मामला। कत्ल करने वाले मुलजिमान की सीसीटीवी फुटेज 110 न्यूज ने हासिल कर ली। बाबर आजम ने कहा कि दौरे न्यूजीलैंड के हवाले से कोई प्रेशर मुझ पर नहीं है।